तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्रिज के ऊपर एकदम सीक्रेट लोकेशन के ऊपर बैठा हूं मैं, यहाँ पे हिडन लोकेशन के ऊपर बैठा हूं। यहाँ पर भैया मेरे को कोई भी बंदा मार नहीं सकता ना ही देख सकता। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक और ट्रिक यूज करके काफी ज्यादा अमेजिंग सीक्रेट लोकेशन के ऊपर बैठा हूं। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो यार, अगर आप लोगों को भी ये सारी ट्रिक्स करना है तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन ट्रिक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ब्रिज के ऊपर आ जाना होगा। अब यार है ना, आप लोग कोई भी ब्रिज के ऊपर आ सकते हो। फिलहाल तो यार मैं देखो यहाँ पे है ना नो वाले ब्रिज पे, आप मिलिट्री बेस वाले पे भी आ सकते हो, या फिर आप लोग है ना जॉर्ज पुल की तरफ जो एक और ब्रिज है ना वहाँ पे भी ये ट्रिक कर सकते हो। तो उसके लिए देखो आप लोगों के फ्लाइंग रेंडियर चाहिए होगा। तो देखो यार जो बंदे का कॉन्करर नहीं लगा, हैकर वगैरह काफी ज्यादा परेशान करते हैं ना, तो यार आप लोग ये ट्रिक्स यूज करके बैठ सकते हो और आपका रेंडियर भी सही सलामत रहेगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक रहने वाली है। फिर भाई यार आप लोगों को ना रेंडियर को साइड से ले जाके जो ब्रिज है ना ब्रिज के नीचे की तरफ से ले जाते हैं एग्जेक्ट करके। ये जो खंबा देखने को मिलता है, खंबे के पास जो रेलिंग देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पे रेलिंग हो खंबे के पास, वो रेलिंग के पास आके आपको कुछ इस तरह एग्जेक्ट करके रेंडियर को यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगा लेना हो। देखो ध्यान रखना थोड़ा और जगह होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी मत रखना रेंडियर को और नीचे भी मत रखना। जैसे मैंने लगा एग्जैक्टली ये रेलिंग के साइड बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आप लोगों को लगा लेना होगा। फिर एकदम एग्जिट करते जॉयस्टिक को बिल्कुल लेफ्ट खींच लेना। और भी जैसे ही आप लोग एग्जिट करके जॉयस्टिक को लेफ्ट खींचोगे तो आप लोग ये रेलिंग के ऊपर आ जाओगे। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा हल्का एडजस्ट हो जाना है। अब देखो आपका रेंडियर ना पानी के अंदर नहीं डूबेगा यार, पानी के ऊपर रहेगा, आप लोग बाद में भी इसको ले जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह बीचों बीच आके यहाँ पे आगे जाना होगा और यहाँ पर आके आपको प्रोन कर जाना होगा। जैसे ही भाई आप लोग यहाँ पे आके प्रोन कर जाते हो फिर आगे जाके आप लोग कुछ इस तरह आराम से काफी ज्यादा इजीली यहाँ पे ये हिडन लोकेशन के ऊपर आ सकते हो। और यहाँ पर रहते रहते आप लोग काफी ज्यादा इजीली रैंक पुश कर सकते हो भाई यार, काफी ज्यादा हिडन लोकेशन है ये। और अगर मान लो भाई यार यहाँ पे लार्ज सर्कल नहीं बनता, ठीक है सर्कल कहीं और बन जाता, जैसे कि मेरे साथ हुआ, देखो यहाँ पे ब्लू जोन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भैया, मेरा रेंडियर तो पानी में बिल्कुल सही सलामत, मैं फटाफट यहाँ से ना पानी के अंदर छलांग लगा के ये जो मेरा रेंडियर है ना भैया ये रेंडियर में यहाँ पे ना उठा के यहाँ पे फटाफट सर्कल में बग जाऊं। तो ये अगर आप लोग भी रैंक पुश करते हो तो यार मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना इस टाइम करंटली आपका कौन सा टायर और कौन सी रैंक है। सेकंड ट्रिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो घर देखने को मिलता है भाई यार, आपको बताया इसके अंदर मैं स्नोबोर्ड से एक काफी ज्यादा हिडन ट्रिक बताया था, लेकिन भाई यार वो फिक्स हो चुके हैं। लेकिन अभी न्यू ट्रिक करने के लिए ना आप लोगों को स्नो गन ब्लास्टर लेके आ जाना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पे कुछ इस तरह बर्फ के गोले लगा देने होगा तीन चार। जैसे ही यहाँ पर आप लोग बर्फ के गोले लगा दो ना, तो फिर आपके यहाँ पे देखो स्प्रिंट लॉक करके जाना आसपास घूमना। जैसे आपका करेक्टर कुछ इस तरह ग्लिच होना तो एफपीपी स्विच करके एकदम स्प्रिंट लॉक करके आगे जंप करना, बर्फ के बीचों बीच आ जाना। फिर ये कबाट के ऊपर जंप लगा देना होगा आपको, ठीक है, और कबाट के ऊपर यहाँ पे आके एडजस्ट होकर यहाँ पे खड़े हो जाना। फिर भी यार आप लोग यहाँ पे एडजस्ट होकर आराम से सही तरीके से खड़े हो जाओगे तो यहाँ पे काफी इजीली रैंक पुश कर सकते हो। और हाँ यार अगर आप लोगों को एक गुरुजा का स्किन बिल्कुल फ्री लेना चाहते हो एकदम वन क्लिक में, कुछ भी नहीं करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो यार कुछ ऊपर से ऐसे भी निकल सकते हो या फिर डायरेक्ट नीचे जंप लगा के भी आप लोग काफी इजीली यहाँ से बाहर निकल सकते हो। पॉइंट नंबर थ्री में मैं आपको बताऊंगा मैं स्कूल के ऊपर, स्कूल के ऊपर आप लोगों के हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे इस भाई ने ये कमेंट करा, बोले भाई स्कूल के ऊपर कोई ट्रिक लेके आओ। तो फाइनली देखो भाई यार ये स्कूल के ऊपर ट्रिक है, आप लोगों को यहाँ पर आ जाना होगा। ये छोटा सा घर देखने को मिले यहाँ पर भी भाई यार एक हिडन ट्रिक है, तो आप लोग मतलब हिडन पैलेस है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के पास एक स्नो गन ब्लास्टर होना चाहिए, ये तो आपको पता भाई सॉक्स के अंदर कहीं पे भी मिल जाता काफी ज्यादा इजीली। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आके कुछ इस तरह से चार पांच बर्फ के गोले मार देने, जितना हो सके उतना बल्ब के पास जाए, तो आप लोग फिर ना यहाँ पर आके ऊपर आ जाना होगा। ये जो बल्ब यहाँ पे बल्ब के पास आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट हो जाना होगा। फिर यार आप लोगों को यहाँ पर है ना भाई इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करना होगा। अगर आप लोग नहीं चढ़ पाओ तो खड़े होकर एक जंप करोगे तो भी ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पे आप लोग क्राउच करते करते भी आप लोग चढ़ सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा आप ऊपर चढ़े नहीं चढ़े, एफपीपी स्विच करके आप लोगों ने अपने पाओ को देखना बल्ब के ऊपर है या फिर। फिर भाई यार जो भी नीचे की जो स्नो है ना भाई सारी की सारी स्नो यहाँ से ना गन से फायर करके आप लोगों को ना ये हटा देनी होगी। अगर नहीं हटाओगे तो भी ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में गायब हो जाएगी एक दो मिनट के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देख लो। फिर आप लोग है ना यहाँ पे बोट फायर करके बंदों को भी बुला लोग, जैसे कि देख लो आप लोग कुछ इस तरह से ना मतलब दूर से दिखोगे यहाँ पे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप दूर से कैसे लगोगे, तो आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए दिखो। या फिर भैया आप लोग ना रैंक पुश के लिए भी ये यूज कर सकते हो। अगर आपको पता मोस्ट ऑफ द टाइम है ना भैया स्कूल पे काफी ज्यादा सर्कल बनता है, तो आप लोग ये ट्रिक कर सकते हो। जो भी बंदे अंदर आए तो आप लोग काफी इजीली उनको सरप्राइज यहाँ से दे सकते हो बैठे बैठे। पॉइंट नंबर फोर में मैं आपको प्रिजन के ऊपर ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखो यार ये भाई ने कमेंट किया प्रिजन पे कोई ट्रिक लेके आओ, अगर आपको भी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन की ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रिजन के ऊपर ये काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ना स्नोबोर्ड लेकर आ जाना होगा इधर की तरफ यहाँ पे, जैसे कि मैं आया। फिर भी यार ये जो स्नाइपर टावर देखने को मिलता है ना, स्नाइपर टावर के पास आके यहाँ पे स्नोबोर्ड खोल लेना होगा और बिल्कुल एफपीपी स्विच करके नीचे देखना होगा और होवरबोर्ड का आगे का हिस्सा आगे लेना और एकदम पीछे वाला बटन दबाना ताकि बिल्कुल उधर से बाहर ना निकले, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच आके यहाँ पे खड़े हो जाना होगा, बस आप
आप लोग सोचेंगे यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पे खड़े होने से क्या हो? मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर खड़े रहोगे तो आप लोग बिल्कुल हिडन हो जाओगे, यहाँ पे नॉर्मल बंदों की नजर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप लोग रैंक पुश वगैरह करते हो तो काफी इजीली यहाँ पे रह सकते हो। बाकी अगर बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ इस तरह डायरेक्ट आके ले लेना होगा यहाँ पे स्नोबोर्ड को। तो चलो यार मैं आप लोग को एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे मेरी टीममेट है ना, यहाँ पे देखो ये स्नोबोर्ड खोल के ओपन हो चुके हो, यहाँ पे सीधा सीधा अंदर लेके जा चुके स्नोबोर्ड को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और भाई यार मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे देखो नॉर्मल किसी का भी नजर नहीं जाएगा। मेरा नजर इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरे टीममेट का जो मार्कर 2 नंबर आ रहा है ना वो दिख रहा है, और यहाँ से तो भैया जिसे आप लोग देख लो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था फ्री गरुजा का स्किन मिल रहा है आज के 2 तारीख के दिन। तो देख जैसे आप लोग ना गेम के अंदर मेल बॉक्स में जाओगे तो बीजीएमआई भाई यार हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए आप लोगों को ना यहाँ पर गरुजा का स्किन बिल्कुल यहाँ पे फ्री में दे रहा है, और यहाँ पे एक आउटफिट भी दे रहा है जो की कल 1 तारीख को दिन दी थी, और यहाँ पे कुछ फुलजड़ी वगैरह भी है। तो अगर आपको नहीं पता भाई ये फुलजड़ी कैसे यूज करनी है, तो ये फुलजड़ी ना आपके डायरेक्ट है ना इन मैच देखने को मिलेगी। जैसे मैच के अंदर आप लोग बैकपैक ओपन करके यहाँ पर यूज का बटन दबाओगे ना, तो ये फुलजड़ी आपके बैकपैक के ऊपर लग जाए।